यूपीएससी का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें गड़बड़ी का मामला उभर के सामने आ रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के द्वारा जो है पीएससी कार्यालय को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसमें किस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। भैया, आप लोग जो है पीएससी कार्यालय को घेरना चाह रहे हैं, घेरने के लिए जा रहे हैं, क्यों घेरना चाह रहे हैं? जब हम पीएससी के नतीजे देखे तो हमको या आम जनता को देख कैसा लगता है कि नतीजे पीएससी कार्यालय से नहीं, कांग्रेस के भवन से जारी हुए। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री के नज़दीकी लोग, अधिकारी लोग, ब्यूरोक्रेट्स लोग, कांग्रेस के नेता, उनके नज़दीकी लोगों का टॉप में आ जाना, ये अपने आप में विषय गंभीर है। साथ ही साथ देखने को ये भी मिलता है कि जो व्यक्ति पिछले एग्जाम में प्री नहीं निकाल पाया था वो अभी टॉप 15 में है, तो छत्तीसगढ़ की घोटालों की श्रृंखला में एक और घोटाला जुड़ा है, वो है पीएससी घोटाला। और जो छत्तीसगढ़ महतारी के बच्चों के साथ मुख्यमंत्री ने किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब युवा मोर्चा आने वाले समय में देगा। तो किसी प्रकार के आप लोगों के पास तथ्य है कि जो है इसमें गड़बड़ी हुई है? तथ्य बिल्कुल है, तभी तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं ना। जो व्यक्ति प्री नहीं निकाल पाया उसका टॉप में आ जाना, ये अपने आप में एक बड़ा है। और ठीक है, तथ्य की बात है तो सरकार जारी करे कि जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय या जो भी टॉप में आए हैं उनके पेपर जारी करे। और ये मांग हमारी नहीं, ये छत्तीसगढ़ के आम युवाओं की मांग है, ये हमारी मांग नहीं है, आम युवाओं की मांग है। इसलिए विद्यार्थी जो है भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, भाजपा की साजिश है, मतलब राज्य को जो है बदनाम करने की, ऐसा वो कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वैसे भी एसआईटी विभाग के मुख्यमंत्री है, जब वो छोटी छोटी बात में एसआईटी का गठन कर सकते हैं, तो युवा मोर्चा की मांग है कृपया इस विषय में भी एक एसआईटी का गठन कर दिया जाए और जांच कर लें वो। गोविंदा गुप्ता, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा।